और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया गया है। अपराजिता बिल को बंगाल विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। विधानसभा में बिल पास होने के बाद उसे आज ही राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल के मुताबिक 21 दिन के भीतर मामले की जांच होगी और उस दौरान एसपी की अनुमति से इसे 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस बिल को बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया है। तो विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश हो चुका है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कोलकाता से। बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल अपराजिता को पेश किया गया, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। ऐसे समय में यह बिल पेश हुआ है जब हमने देखा कि कोलकाता की सड़कों पर संग्राम है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया की हमारी सहयोगी आशिका जुड़ गई हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। आशिका, इस बिल को विधानसभा में पेश कर दिया गया है और क्या डिटेल्स वहां से मिल रही हैं? देखिए, विधानसभा में फिलहाल ये बिल जो है पेश किया जा चुका है, इस पर चर्चा चल रही है और संभव है कि आज ही ये बिल पास होकर के राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने ही जब आजीकर की घटना को लेकर के घिर रही थी, तब ये कहा कि अगर मेरे हाथ में ये शक्ति होती तो मैं 7 दिन के भीतर दोषी को फांसी के फंदे पर चढ़ा देती। इसी के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि विधानसभा का स्पेशल सत्र जो है वो बुलाया जाएगा, जिसमें ये बिल पेश होगा, जहां रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी तय समय सीमा के भीतर 21 दिन के भीतर जो है वो जांच की बात कही गई है, और अगर 21 दिन में जांच खत्म नहीं होती है तो फिर जो है 15 दिन का और समय एसपी की अनुमति से मिल सकता है। ये बिल अब पेश हो चुका है पश्चिम बंगाल विधानसभा में। देखना यह है कि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सुकांता मजुमदार भाजपा के राज्य अध्यक्ष हैं, वो कह चुके हैं कि बीजेपी के विधायक भी साथ देंगे इस बिल को लेकर के, लेकिन बीजेपी का क्या रुख होता है इसको देखना आज जरूरी है। बिल्कुल आशिका, आप रहिए हमारे साथ, बड़ी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं कि ये जो बिल है ये विधानसभा में पेश हुआ है और अपराजिता बिल, एंटी रेप बिल है, जिस पर अभी चर्चा चल रही है। हालांकि बीजेपी ने समर्थन का ऐलान किया है, पर कुछ देर हमें देखना होगा जो विधानसभा में इस वक्त चर्चा चल रही है कि बीजेपी विधायक क्या कहते हैं। माननीय सदस्यगण, আপনারা জানেন আমাদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আজকে আলোচনা হবে। আমি সরকার পক্ষ এবং বিরোধী দল সবাইকে অনুরোধ করব, শান্তিপূর্ণভাবে নিশ্চয় আলোচনা হবে, আলোচনা হোক, সেটাই আমরা চাই। নাও দ্য বিজনেস ইজ দ্য অপরাজিতা উইমেন এন্ড চাইল্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল। মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জানেন আমাদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আজকে আলোচনা হবে। আমি সরকার পক্ষ এবং বিরোধী দল সবাইকে অনুরোধ করব, শান্তিপূর্ণভাবে নিশ্চয় আলোচনা হবে, আলোচনা হোক, সেটাই আমরা চাই। নাও দ্য বিজনেস ইজ দ্য অপরাজিতা উইমেন এন্ড চাইল্ড West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024. Honorable Minister, Department of Judicial, may please introduce the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to introduce the Aparajita Women and Child. हमारे सहयोगी आशिका लगातार बनी हुई है। आशिका, ये बिल की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है जो हम चर्चा कर रहे थे, और इस वक्त तो विधानसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन इस बिल के क्या क्या क्लॉज है उस पर बीजेपी को आपत्ति होती है या नहीं, ये थोड़ा इंतजार हमें करना होगा अभी। बिल्कुल इंतजार करना होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल के नेता है, वो आमतौर पर आक्रामक रवैये में रहते हैं। कल भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, पहला दिन था, शोक प्रस्ताव के बाद उसे बंद कर दिया गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी मृत्यु के बाद ये शोक प्रस्ताव कल पेश किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। उस शोक प्रस्ताव में उन्होंने भाग जरूर लिया, लेकिन आरजी कर की डॉक्टर बिटिया, उसकी चर्चा करते हुए वो वहां से बीजेपी के जो विधायक हैं उनको लेकर के निकले, और पूरे विधानसभा में एक कह सकते हैं कि कैंडल लेकर के हाथ में उन्होंने मार्च निकाला। अब उसके बाद आज जब बिल पेश होगा तो क्या रवैया भाजपा का रहता है, भाजपा के विधायकों का रहता है, ये देखना सबसे अहम है। क्योंकि संख्या बल की बात करें तो कहीं भी टीएमसी पीछे नहीं है, लेकिन आमतौर पर कोई भी बिल आता है सरकार की तरफ से तो उस पर हंगामा ही देखने को मिलता है। ठीक है आशिका, इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो